आज पूरे देश में लगभग 28,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र कार्यरत हैं, लेकिन पटना जिला के फुलवारी शरीफ प्रखंड के चिलबिल्ली गांव में एक ऐसा भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने इलाज के लिए सबसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल 8 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। गांव में जो चिलबिल्ली उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्या उसमें डॉक्टर आते हैं? नहीं। कब से नहीं आए हैं? ये लगा कि सालों दो साल से। तो उसमें कोई कोई उसमें कभी नहीं है, खाली नीतीश कुमार आवे लाते ना वो घर सब कि आवे लाते वही करी के आल हाथ होना ना, तो फिर झिरखिरियो ना दिखावाते पूछो ना। तो कोई स्टाफ नहीं रहता, कंपाउंडर नर्स कोई भी? कोई स्टाफ नहीं। तो जब आप लोग की तबीयत खराब होती है तो हम फुलवारी जाते हैं, टेम्पो रिजर्व कर लेते हैं, चल जाते हैं। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 7-8 किलोमीटर पड़ता है फुलवारी जाने। यहाँ पोलियो वाला अथी देती है, बच्चों लोग को पिलाती है, वो ही मर जाते। तो पोलियो के टीका के अलावा कभी यहाँ पे नहीं खुलता? नहीं, कुछ भी नहीं लाती। और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो फिर वो लोग कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? हम लोग प्राइवेट में ले जाते हैं। अभी तक वार्ड पार्षद होने के नाते अभी तक आपने क्या क्या किया था इसको लेकर? आप किसी से बातचीत या आवेदन आपने किसी अधिकारी से किया है? हमारे चिकित्सा पदाधिकारी है, आवेदन तो खैर नहीं दिए हैं, पदाधिकारी से बातचीत हुई थी। 15 अगस्त 2016 में मुख्यमंत्री झंडा तोलन करने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर घोषणा हुआ था कि स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है, जो नया भवन बनाया जाएगा, अभी तक नया भवन नहीं बना है। मेरे और मेरे समुदाय की ये मांग है कि जल्द से जल्द पटना जिला के चिलबिल्ली गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाया जाए। इसके लिए आप पटना के सिविल सर्जन के मोबाइल नंबर 9470003600 पर कॉल करके दबाव बनाए और बदलाव लाने में हमारी मदद करें। मैं आमिर, फुलवारी प्रखंड चिलबिल्ली गांव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।